अनलिमिटेड फ्री वाला खाना खाने के बाद हमारे शंटर वंटर आ गए हैं गोला लेने, जिसका प्राइस है 20 रुपीज। हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ, रिसॉर्ट। तो गर्मी को मद्देनजर रखते हुए फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि आज हम रिसॉर्ट जाएंगे। तो विसावा रिसॉर्ट जा रहे हैं, जो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। ये मैं हूँ, ये मेरी बहन और मेरे मंटर गए हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, सारी फुल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो आप जहाँ कहीं भी हो, वहाँ से आप लोकल ट्रेन दादर से लेके आ सकते हो विरार, और गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हम डिसाइड कर रहे हैं हम रिसॉर्ट जाएंगे। और यहाँ का प्राइस, फूड, ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे मिलेगी। और हम आ चुके हैं, पिकअप एंड ड्रॉप बिल्कुल फ्री है, तो आपको आगे आके कोई टेंशन नहीं है। तो जो भी है आप कॉल कर सकते हो रिसॉर्ट में, हम वहाँ का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये हमारा नया सब्सक्राइबर, नया फैन मिल गया था हमें विरार स्टेशन के बाहर। गौर से देखो इस शख्स को, जो लेट लतीफ होके ऑलरेडी हम 11:15 बज चुके हैं। कितना लेट हो गया पता है तुम्हारी वजह से, स्कूल वाला बैग लेके घूम रहे हो। चलो बैठो, क्या नंबर मेरा, आपका नंबर ठीक है, आपका नंबर मुझे दे देना, मैं डाल दूंगी। तो डिस्काउंट दोगे मुझे कुछ यूट्यूब पे अभी, आज डिस्काउंट दोगे? अच्छा ठीक है। विरार से हमने ले लिए ऑटो, और यहाँ से हरी हरी वादियों से गुजरती हुई हम पहुँचने वाले हैं जल्दी अपने रिसॉर्ट। और विरार फेमस है रिसॉर्ट के लिए, विरार में आप किसी भी ऑटो वाले को पूछोगे बहुत सारे रिसॉर्ट और बहुत सारे रीजनेबल प्राइस में हैं, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, ऑटो, रिक्शा, पिकअप एंड ड्रॉप, फूड, सारी चीज़ें। तो बाकी वीडियो हम आगे जाके आपको दिखाते हैं, रिसॉर्ट का फुल वीडियो, फुल इन्फॉर्मेशन की क्या क्या है। और आप ऑटो में देख सकते हो आगे ये दो लाल बंदर कैसे बैठे हुए हैं। हाय करो, हाय चलते हैं मिलते रिसोर्ट में। ऑटो में जैसे हम आगे एंट्री कर रहे थे रिसोर्ट के लिए, तो एक नया धंधा चालू हो गया है इनका, पहले नहीं था। हम ये जो ग्राम पंचायत में अंदर एंट्री के लिए 30 रुपए ले लिए हमसे इन्होंने, लेकिन ये तो हमें पता नहीं था। कोई ना, आप आओगे तो ये भी ध्यान रखो, तो 30 रुपए एक्स्ट्रा हमारे खर्चे हो चुके हैं, बट कोई ना, अब इतना खर्चा किया तो इतना भी सही। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा, बहुत ही नेचुरल वाली जगह है, वाइब बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा लग तो रहा है शायद पहुंच गए। ओहो, ये रहा हमारा रिसोर्ट, विसावा रिसोर्ट। उतरने के बाद हम पहुंच चुके हैं विसावा रिसोर्ट। अंदर तो बहुत ज्यादा गर्दी, और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी। अंदर है 6 वेव पूल, 11 वाटर स्लाइड्स है, डीजे है, रेन डांस है, खाना है, ब्रेकफास्ट है, रात की चाय है। चलते हैं, एंट्री टिकट लेते हैं, और एंट्री टिकट का प्राइस आपको आगे वीडियो में बताते हैं। सारे फोटो वीडियो लेने में बिजी है। पिंकी पिंकी फोंकी, आपका नंबर बता दो, इसमें मैं डाल दूंगी आपको। मैं हमेशा एक ही जगह होंगी। अच्छा, ये हमने ले लिया है 700 रुपीज का टिकट, और ये है खाने का कूपन। नाश्ता तो हमें मिला नहीं, इन गरीबों की हालत देख के समझ सकते हो, वरना ब्रेकफास्ट भी था इसमें। कूपन संभाल के रखना पड़ेगा, एक बजे से खाना चालू हो जाएगा, क्या हुआ। और ये हम टिकट लेके अभी चलते हैं अंदर एंट्री करते हैं, और अंकल ने हमें 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है, लॉकर हमें 100 रुपये का मिल गया, तो आप हमारी वीडियो दिखा के आके डिस्काउंट ले सकते हो। वाह, भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि लग रहा है कि हम जा ही नहीं पाएंगे अंदर, काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ से आप व्यू देखोगे बहुत अच्छा आ रहा है, गर्मी में रिसोर्ट आने का मजा ही अलग है। अच्छा, फोटो निकालो। गाइस, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने तो एक से। हाँ, मेरे बहुत ही, मतलब ऐसे लग रहे 3 घंटे पूरे वसूल हो गए ट्रैवलिंग के, बहुत मजा आ रहा है। और ये रही खतरनाक वाली स्लाइड, किधर किधर फोटो, वाओ। इस एंगल से आप स्लाइड को देखोगे बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल है, फुल पैसा वसूल है। और भाई साहब, ये है खतरनाक स्लाइड, हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। यहाँ पे टोटल 11 स्लाइड्स और 6 पूल हैं। लंच में हम आपको दिखाते हैं खाने में क्या मिलने वाला है। ये हमारा बैंड का वितरण हो रहा है, रक्षाबंधन
भाई बहन का प्यार, बैंडेज लगाया जा रहा है, मुझे चोट नहीं लगी है फिर भी बैंडेज। एक फोटो निकालेंगे ना लगा के। ये तो हम हो गए हैं विसावा के ओनर, अब ये पूरा रिसोर्ट हमारे नाम हो जाएगा। ये दूसरा रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार दर्शाते हुए गर्मी के कड़कती धूप में चलते हम चेंज करते हैं और यहाँ के मजे दिखाते हैं। ये है सामने रेन डांस, डीजे चालू है। ये है एक पुल, ये सामने दूसरा पुल और सामने आपको दिखाई देगा तीसरा। और ये होने के बाद हम जाएंगे आगे वेव पूल में और ये वाली स्लाइड करेंगे हम। अगर हो सका तो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, बट मुझे डर बहुत लगता है यार, पानी भी काफ़ी गर्म हो रखा है, चटके लगने वाले हैं पानी में। रेन डांस करने के बाद एक स्लाइड की है मैंने सिर्फ, और उसी में मेरा दिल धक धक करने लगा। वेव पूल चालू है, यहाँ पे इन लोगों ने सारी स्लाइड और ये पानी सारे बंद कर दिए ताकि वेव पूल में भीड़ हो जाए। और ये सामने वाली स्लाइड अभी लंच के बाद चालू होगी तो हम इस पे जाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मेरी छोटी फ्लाइट से ही फटी पड़ी है, बट चलते पहले खाना खाते और निकलते वेव पूल के लिए। ये सामने गार्डनिंग और रेस्ट करने के लिए झूले बनाए गए हैं। ये रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। बहुत सारी फैसिलिटी है और बहुत कलरफुल चीज़ें, मतलब फोटोज एंड वीडियोज़ के लिए बहुत अच्छा है। और वेव पूल में तो बहुत भीड़ हो रखी है क्योंकि सारे स्लाइड्स और पूल इन्होंने बंद कर रखे हैं। तो आपको हम वेव पूल की भीड़ दिखाते हैं यहाँ से, बट हम अभी जा रहे लंच करें। पहले हम लंच करके आएंगे फिर वेव पूल में जाएंगे। तो हम आपको यहाँ से वेव पूल की भीड़ दिखाते हैं जो हद से ज़्यादा है। और ये भी शायद अभी बंद हो गया क्योंकि लंच का टाइम हो रखा है, तो वेव पूल अभी बंद हो गया। लंच के बाद अगेन सारे पूल वेव पूल चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेचर भी काफ़ी अच्छा है, हवा बहुत अच्छी आ रही है। लंच के लिए लाइन लगी है, मेरी बहन ने लाइन लगाई है और हम चलते हैं अभी खाना खाने के लिए। और ये वाली स्लाइड हमें ज़रूर करनी है। लंच के लिए लाइन देख सकते हो, राशन मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, गेहूँ चावल चीनी और ये सब खाली हाथ खड़े हैं लंच करने के लिए। तो सामने आप देखोगे खाने का टाइम तो मेंशन है, पर 1 बजे से 2:30 बजे तक अगर आप लेट होते हो तो आप खाना शायद मिस कर सकते हो। और यहाँ पे वेज नॉनवेज दोनों आप खा सकते हो। ये रहा हमारा खाना, तो आपको 700 में ऐसा ही खाना मिला था। ये है वेज थाली और ये है नॉनवेज थाली। तो शायद आप लोग इसके अंदर दाल है, चावल है, रोटी है देख सकते हो। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो जूम करके देखो। खाने में आप वैरायटी देख सकते हो, वेज और नॉन वेज दोनों थाली है। वेज में आपको 2 सब्जी मिलेगी, एक छोले हैं, एक नॉर्मल सब्जी, दाल चावल रोटी सलाद खीर सॉरी मीठा है हलवा। और चिकन में आपको सूखा चिकन मिलेगा, ग्रेवी रोटी पाव भी है और चावल है। खाने का टेस्ट कैसा है, वेज खाया ना कैसा है, मस्त है, पैसा वसूल है। चलो खाना खाते हैं। अनलिमिटेड खाने का फ़ायदा उठाती हुई श्रीमती रानी सिंह, मतलब आप देख सकते हो उसने ऑलरेडी 1 डब्बे चिकन के तोड़ रखे हैं। अनलिमिटेड है इसका मतलब लेके आराम आराम से 2.5 घंटे का टाइम है,
तो 2.5 घंटे चिकन खा ली जाएगी, सबकी स्किन टैन हो रखी है। आप देखोगे सब कैसे खाने खाने में लगे हैं। वो हमारे साथ नहीं है गाइस, छोटे वाले बच्चे का मुंह है। तो अभी हो चुका है हमारा लंच और हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और 2:30 बजे चालू हो जाएगा वेव पूल और सारे पूल। और साइड में आप बाहर देख सकते हो बैठने के लिए बहुत सारी जगह है। इस साइड तो काफ़ी कम है बट इसके बैक साइड में बहुत अच्छी जगह थी। ये वाले सारे लॉकर रूम दिए हैं उन्होंने, 400 रुपये हैं, उसमें से 200 रुपये डिपॉजिट होते हैं जो आपको रिफंड मिल जाते हैं, तो पर पर्सन का आपको 200 रुपीज़ पड़ेगा। और लॉकर काफ़ी बड़ा है तो उसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा, एटलीस्ट 4-5 बैग आराम से आ जाएंगे। अनलिमिटेड फ्री वाला खाना खाने के बाद हमारे सेंटर में अंदर आ गए हैं गोला लेने, जिसका प्राइस है 20 रुपीज़ पर गोला। बट यहाँ पे सिर्फ कैश है, ऑनलाइन कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ अगर आपके पास कैश है तो प्लीज कैरी करो। 20 रुपए के गोले का लुत्फ उठाते हुए गर्मी में, क्योंकि सब सारे फूल हो चुके हैं बंद, तो ये गोला जो बाहर 10 रुपए का मिलता है मात्र 20 रुपए का आपको अंदर मिलेगा। तो 5 गोला 20 रुपए इंटू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:30 और रेस्ट करने के बाद हम चलते हैं, फोन रखते हैं लॉकर में, बिकॉज फोन के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। अभी सिर्फ थोड़ा सा पानी गया था तो फोन चार्ज नहीं हो रहा था, इसलिए हम फोन रखते हैं लॉकर में। पहले हम खुद इंजॉय करते हैं, फिर आपको वीडियो के थ्रू दिखाते हैं कि कौन कौन की स्लाइड अभी चालू होने वाली है। यहाँ आपको जो सामने राइड्स दिखाई दे रही है, ये ब्लू और येलो वाली जो है वो बंद थी, ये तीनों, और ये जो टर्न हुई है ब्लू वाली ये चालू थी, तो हमने ये दोनों खेली, बहुत मजा आया। और वो जो मरून और व्हाइट वाली है ट्यूब वाली थी वो तो बहुत ही ऑसम थी। देन यहाँ पे रेंडांस हुआ, बहुत मजा आया। अभी मैं ऐसे चेंज करते हैं वीडियोज बनाने के लिए, बिक्री के फोन लॉकर में पड़ा था। और ये जो मैट वाला है ये तो मैंने 3 बार खेला, मुझे बहुत ही मजा आया। और सामने आपको दिखेगा एक्वा ड्रॉप, ये किसी भी रिसोर्ट में नहीं है ऐसा, सिर्फ मैजिका में है और एक यहाँ पे है। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था, बट जब मैं एक बार गई उसके बाद मैं 3 बार गई, क्योंकि वो जो है वो 3 सेकंड में अंदर आ गया और यहाँ से आते हुए यहाँ हम निकले थे, ये मौसम करके वहाँ पे बहुत ही मजा आया था। और ये रिसोर्ट का मैं आपको लास्ट फाइनल व्यू वाइड एंगल से दिखाती हूँ। सामने ऑटोज हमारे वेट कर रहे हैं, जो भी यहाँ से निकलेंगे उनको स्टेशन छोड़ा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रहा एक स्लाइड, इसके बाजू में था सेकंड स्लाइड। फिर ये सारे होटल के कमरे, अगर आपको स्टे करना है नाइट आउट करना है तो यहाँ पे आप रूम भी ले सकते हो 1500 फॉर कपल। देन ये था हमारा सामने स्विमिंग पूल, एक ये था रेंडांस वाला पूल, देन यहाँ पे एक पूल था सामने, हम जा नहीं पाए ठीक है, फिर वो कपल वाला तो आपने देखा ही, और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। आप लोग गर्मी में एक बार जरूर यहाँ विजिट करना, प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। और सामने हम आपको दिखाएंगे एक काफ़ी अच्छा पूल जहाँ पे हम बहुत कम टाइम में इंजॉय कर पाए, जो ये था। अभी इनकी क्लीनिंग चालू है, शाम को 5 बज चुके हैं, तो एक यहाँ फोटोज़ के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। अच्छा नाइट से अगर ग्रुप में आप आ रहे हो तो ग्रुप में फोटो पिक्चर क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। क्लीनिंग वगैरह चालू है अभी और हम भी निकलते हैं चाय पी के घर। सबसे पहले हमारी क्लाइंट थी, कैसा लगा आपको रिसॉर्ट? बहुत बढ़िया। आपको रिसॉर्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा बाबू, मजा आया स्लाइड में? मजा आया। हाँ पाताल लोक में जाके कैसा लगा? पहले मैडम आप चेंज करके आ जाओ, जाओ जाओ। रिसॉर्ट कैसा लगा आपको? चलो देखते हैं आगे, और भी क्लाइंट अगर मिलते हैं तो हम पूछते हैं इनको, पूछिए क्या मतलब रिसोर्ट कैसा लगा। हाँ अच्छा, मजा आया। चाय मैं इनसे पूछ लेती हूँ, रिसोर्ट कैसा लगा आपको? कैसा लगा बाबू रिसोर्ट आपको? इसकी आईज तो बहुत लाल हो गई है, मजा आया? नाराज इसलिए हो रहा है, बोल रहे कल भी आएंगे। ओहो इतना अच्छा लगा इसको? आपको कैसा लगा? मजा आया, स्लाइड्स बहुत अच्छी थी ना। सबसे अच्छा वो ड्रॉप वाला, गए थे उसमें? एक बार भी नहीं गए, जाना चाहिए था, बहुत अच्छा था। हाँ थैंक यू। आपको स्लाइड्स कैसी लगी, रिसोर्ट कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? आप शर्मा क्यों रहे हो, कैसा लगा आंटी आपको? अच्छा था, थैंक यू। अभी हो चुके हैं 5:15 और सब लोग हो रहे हैं रेडी निकलने के लिए, और हम तो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, हम निकल रहे हैं। थोड़ी मजा आया क्या? मजा आया। कौन से वो पाताल लोक वाले में? कैसा लगा था? दरवाजा खुला, हमारा मुंह का ढक्कन खुल गया। बाप रे, अलग ही रोंगटे खड़े हो गए थे उसमें जाने के बाद। यही था वो, इसमें अंदर येलो कलर की लाइट चल रही थी, इसमें से ऐसा ड्रॉप 3 सेकंड से अंदर आया कि यहाँ से जूम करते हुए हम आगे चले गए। हम निकलते हैं स्टेशन और चलते हैं फटाफट घर। सब राइड में से सबसे अच्छी राइड कौन सी थी? दरवाजा खुला, मुंह का ढक्कन खुल गया। भूल गई मैं तो भगवान का नाम किसके, कौन से भगवान? मैंने इसको बोला था जय बजरंगबली, जय बजरंगबली बोलेगी ना डर नहीं लगेगा।
अरे पर मैं भूल गई अंदर जाके कि भगवान का नाम कौन सा भगवान का नाम लेने का और पहुंच गई थी इस पाताल लोक में भाई मेरा तो जाने के बाद हवाई ढक्कन ढक्कन बोला रानी का मुंह का ढक्कन हाँ ना नीचे से खुलेगा तो क्या लगा पागल है ना एक नंबर की। मुझे सब राइड में से सबसे अच्छी ट्यूब वाली राइड लगी थी वो सामने वाली पर्पल वाली। अभी ये सब मैट खाली जाना है कि तेरे को मैट वाला चाहिए था जाना मैट वाले में सबसे अच्छी मुझे वो जो ट्यूब वाली राइड थी वो लगी थी और जो जुप करके ड्रॉप वाला था ना वो ऐसे जाने के बाद दरवाजा खोला 3-2-1 धपाक ऐसा लग रहा था ना जैसे पैरों के नीचे से जमीन स्टैक से सरक जाती है वैसा धरती फटी और हम समा गए पता लोग बहुत बहुत मजा आया। इसका तो फोटो ही नहीं खत्म हो रहा है भाई वाओ कमेंट में बताओ रिसोर्ट कैसा दिख रहा है यहाँ से बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो तो हमने निकाले बहुत सारे फोटोज वीडियोस आप ब्लॉग में चेक ही कर लोगे और फोटोज और शाम की यहाँ पे चाय भी फ्री थी बट हमने चाय पी ली रानी चाय का टेस्ट कैसा था पानी और चाय पानी वाओ यहाँ से एंगल कितना अच्छा लग रहा है फोटोज के लिए। इन्होंने अभी इसमें ना केमिकल मिला रखा है फिल्टर करने के लिए। ये वाली साइड में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं सुबह मलिक का नाम लेके इस पर दो बार आई मैट लेके भाई यहाँ पे मैट के लिए ऐसे लड़ाई कर रहे थे ना बच्चे इस बेचारे देवदास को देखो ये सिर्फ दो राइड पे गया है कौन सी ये पर्पल वाली में गया अरे कहानी मत बता मैं तेरे को बता रहा हूं। हां तो बोलो एक लड़की सामने आ गई हां सीधा इस पे लगे दो दिन में वो लड़की को लगा नहीं रे मेरे को लगा अच्छा लड़की पीछे से आ गई तुम्हारे कंधे पे पीछे से ही सामने ही आ गई इसे होता नहीं इसे बगल से आते कोई भी घूमता रहता है। हाँ। अच्छा ले बन कर इसको अरे बताओ लोगों को पता तो चलना चाहिए लेकिन यहाँ पे एक चीज की कमी थी मतलब वहाँ पे तो बंदे थे ट्यूब था इसलिए बट ये वाली जो मैट वाली थी ना मैट पे कोई बंदे गाइड करने के लिए नहीं थे कि आपको मैट ऐसे पकड़ना है कोई धक्का देने के लिए बिकॉज बाकी जगह पे तो रहते हैं मैंने देखा है बाकी जगह पे तो रहते हैं। तो हम आए थे ऑटो से बट अभी हमने ऑटो वाले मतलब ऑफिस में फोन किया तो वो बोल रहे बस से जाना है आप पिकअप हमने ऑटो से किया था बट ड्रॉप वो बस से करने वाले हैं क्योंकि ज्यादा पब्लिक है तो ऑटो से मैं भी उनको नहीं एक और बस है आगे खड़ी है तो जहाँ पे बेवकूफ था हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ बस में बैठेंगे सीख लेंगे और चलेंगे स्टेशन। और ब्लॉग कैसा लगा एंड तक आपने देखा और क्या क्या आपको चीजें अच्छी लगी कौन सी राइड सबसे बेस्ट लगी कौन सी राइड में आपको डर लगता है कमेंट में जरूर बताना। बस से उतरने के बाद हम आ चुके हैं विरार स्टेशन और हम यहाँ से लेंगे लोकल ट्रेन और पहुँचेंगे घर। आप बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कौन सी स्लाइड बहुत अच्छी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी रिसोर्ट जा सके गर्मियों में जाने का मजा ही लगे बट वहाँ से निकलने के बाद वापस पसीना पसीना हो गया तो क्या डाक्टर हाँ तो हम फिर से घर पे ही जा रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय राधे राधे।